आंकड़ों की माने तो लगभग हर तीसरा भारतीय किसी न किसी थायराइड विकार से पीड़ित है। यह अक्सर वजन बढ़ाने और हार्मोनल असंतुलन की वजह से बनता है। थायराइड हार्मोन अंगों के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होते हैं। इनमें किसी भी तरह के असंतुलन से विकार पैदा होते हैं। थायराइड दो तरह के होते हैं। चलिए डॉक्टर नीलिमा जोशी से जानते हैं क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म और कैसे आप इसे आहार में बदलाव कर कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलिमा जोशी है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट और हेल्थ कोच हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपो माने कम, थायरॉयड मतलब कुछ भी जो थायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड हो। थायरॉयड जो ग्लैंड है वो T3 और T4 हार्मोन का उत्पादन करती है। इस बीमारी में उस हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, लाइफ में बहुत स्ट्रेस होना, कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस होना, वर्कआउट ना करना और खानपान ढंग से ना लेना। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको कुछ इस तरीके के सिम्टम्स महसूस होंगे, बालों का झड़ना, स्किन का प्रॉब्लम, जल्दी थकान लगना और मूड डिसऑर्डर। अगर आपने अपनी कंडीशन का ध्यान नहीं दिया तो आपको आने वाले समय में हार्ट डिजीज़, बोन प्रॉब्लम, BP का प्रॉब्लम भी हो सकता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ 80% पीपल कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज़ मेजरली सीन इन फीमेल्स। तो अगर आपने कुछ चीज़ों का ध्यान दिया तो आप इस प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। नंबर वन इज़ इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ वर्कआउट इन योर लाइफस्टाइल। जो भी वर्कआउट आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। अगर आपको वॉक पे जाना पसंद है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर में योग भी कर सकते हैं। नंबर टू इज़ रिड्यूसिंग स्ट्रेस बाय मेडिटेशन। अगर आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है तो आप घर पे मेडिटेट करके या आप ऑनलाइन कोई वीडियो देख के मेडिटेशन सीख के मेडिटेट करके अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। थर्ड इज़ डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ गोइट्रोजेनिक फूड इन योर डाइट। गोइट्रोजेनिक फूड माने कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश। ये जो फूड होते हैं ये आपके थायराइड ग्लैंड में आयोडीन के जाने को रोकते हैं, इसीलिए T3 और T4 का कंजम्पशन रुक जाता है। तो आप इन फूड को अवॉइड करके भी हाइपोथायरॉयडिज्म से छुटकारा पा सकते हैं। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ हैविंग न्यूट्रिएंट डेंस मील्स। हाँ जी, जो भी आप खाना खाएं वो पौष्टिक होना चाहिए, उसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तो आपको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस से छुटकारा मिल सकता है। दो मैं टिप देना चाहूँगी आपको पर्सनली जो हाइपोथायरॉयडिज्म में काफ़ी इफेक्टिव प्रूव हुई हैं। नंबर वन इज़ हैविंग कोरिएंडर सीड वाटर। साबुत धनिये का पानी पीने से काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म को डिक्रीज़ करने के। आप साबुत धनिये को सोख करके, बॉयल करके पी सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ मसाजिंग योर ग्लैंड विद वॉलनट ऑयल। वॉलनट ऑयल इज़ प्रूवन टू बी वेरी गुड एंड इफेक्टिव इन गेटिंग रिड ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। I hope you found this helpful. Thank you so much. Please follow me on Instagram, Dr. Nilima Joshi.